देखिए बच्चों, अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये माइनस का चार और एक को गुणा कर माइनस का चार आएगा, और ये माइनस का चार माइनस का बारह आएगा, और माइनस का बारह और प्लस माइनस का बारह जोड़ के माइनस का 24 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 40 बन जाएगा। ये थोड़ी त्रुटि हो गई, उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इस ये सेकंड वाला, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, इसका अपन स्टडी करते हैं। इसी टाइप में करना है और इसको आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से करना है। केवल कुछ ध्यान अंग नहीं है, केवल ए बी सी और एच और जी है, तो इसका आपको प्रयास करना है। मैं बता देता हूँ, इधर ये अपने सेकंड वाला ए बी और सी और एच एच जी जी एफ और एफ है। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? डेल्टा ए वन वन एफ वन वन प्लस ए टू वन एफ टू वन, ए थ्री वन और एफ थ्री वन। ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन की वैल्यू तो आपको पता है। एफ वन वन निकालते हैं, एफ वन वन माइनस वन और वन प्लस वन, एफ वन वन आ जाएगा। तो माइनस वन की पावर टू, और इसकी सारणी बना देते हैं, एफ टू वन सॉरी ए वन वन, ये बन जाएगी सारणी। अपने दमन कर देंगे बी एफ एफ और सी, तो ये आएगा वन। इसको सॉल्व करते हैं, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर, एफ वन वन आ गया। इसी टाइप में एफ टू वन निकालते हैं, माइनस वन टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा, ये साइनिंग बना देते हैं ए टू वन की। यहाँ पे ए टू वन आ जाएगा, यहाँ पर तो ए टू वन क्या बनेगी? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का दमन हो जाएगा, एच जी और एफ सी बचेगा, एच जी और एफ सी बच जाएगा, माइनस वन की पावर थ्री, और ये आ जाएगा अपने पास में एच सी माइनस जी और एफ आ जाएगा, माइनस वन ये आ जाएगा एच सी माइनस जी एफ। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एच सी प्लस जी और एफ आ जाएगा। इसी प्रकार से एफ थ्री वन निकाल लेते हैं, तो एफ थ्री वन क्या हो जाएगा? माइनस वन थ्री प्लस वन और ए थ्री वन, तो ये आएगा माइनस वन की पावर फोर, और इसकी में सारणी बना देते हैं, थ्री वन का दमन हो जाएगा, ये थ्री वन का दमन हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास में एच जी और बी एफ, एच जी और बी और एफ। इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, माइनस वन की पावर फोर वन हो जाएगा, एफ थ्री वन यहाँ लिख रहा हूँ, और इसको सोल्व कर देते हैं, तो यह आएगा एच एफ माइनस जी और बी, तो यह आएगा एच एफ माइनस बी और जी। अब इसकी सारी वैल्यू याद रख देंगे अपन, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा ए वन वन क्या है? ए, और इसकी वैल्यू क्या है? बी सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ए टू वन क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ एच, और यह आया अपने पास में माइनस एच सी प्लस जी एफ प्लस, और ए थ्री वन की वैल्यू क्या है? जी, ये जी, और यह आएगा एफ थ्री वन। तो एफ थ्री वन की वैल्यू अपन ने निकाली है एच एफ माइनस बी जी। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस एच जी और एफ आ जाएगा,
और इसको सॉल्व करते हैं, प्लस एच जी और एफ माइनस बी और जी स्क्वायर, तो जो कट रहा उसको काट देते हैं, जो रो जाड़ जोड़ देते हैं, तो ये आएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस टू एफ जी एच माइनस बी और जी स्क्वायर। इस प्रकार से इस मैट्रिक सारणी का आंसर बन जाएगा अपने पास में, ये देखिए इधर। तो अपन ऐसे अपन आंसर निकाल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है और समझने का प्रयास भी आपको करना है। थैंक यू।